टॉप 5 बेस्ट Realme स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, Realme अपनी अच्छी डिजाइन और अच्छी स्पेसिफिकेशन के लिए जाना जाता है। सो गाइज, अगर आप भी यहाँ पर Realme की तरफ से कोई अच्छा फोन लेना चाहते हैं या फिर आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही स्मार्टफोन्स लेकर आए हुए हैं और इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस लिस्ट को, और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर Realme की तरफ से आने वाले Realme की नार्जो सीरीज का नार्जो 55G। वैसे तो ये फोन आपको डिजाइन के मामले में और भी बेहतर देखने को मिलेगा और बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। तो चलिए डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो फोन के अंदर आपको 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल मिल जाती है। हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आएगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 600 निट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आपको मिलती है। वहीं पर कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर भी आपको 6nm बेस MediaTek का Dimensity 810 वाला चिपसेट मिल जाता है, जो कि इस बजट के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देता है। अंतुतु की बात करें तो 3.5 लाख के आसपास के अंतुतु स्कोर मिल जाते हैं, जो कि आपको इस बजट के अंदर बहुत अच्छी गेमिंग भी करा देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफी अच्छी निकाल कर देता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है, 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, जहां पर आपको मिलता है Realme का UI 3.0। तो सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन चाहते हैं 5G के तौर पर, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन भी अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपए। फ्रेंड्स, बढ़ते आगे और बात करते हैं अब अगले फोन की, और अगला स्मार्ट ये आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी निकाल कर देता है, और ये फोन है Realme का 9 5G स्पीड एडिशन। गाइस, तो ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट मिनिमल डिजाइन के साथ में आता है, तो डिजाइन भी फोन का काफी अच्छा दिया गया है। वहीं पर अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, पैंडा ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है, 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी बजट के अंदर देखेंगे तो बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का लगा हुआ है, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन के यहाँ पर डिसेंट है, लेकिन आउटपुट काफी अच्छे निकल कर आते हैं। साथ ही साथ आपको सभी Realme स्मार्टफोन के कैमरा फीचर के अंदर काफी सारे अलग अलग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें गाइस, तो ये स्मार्टफोन आपको अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग करा देता है, बैक कैमरा से अप टू 30 FPS, फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 778G जैसा पावरफुल गेमिंग चिपसेट, जहां पर आपको मिलता है Adreno 642L का GPU, जो कि दोस्तों इस बजट के अंदर आपको टॉप नॉच गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अंतुतु की बात करें गाइस, तो ये स्मार्टफोन लगभग 5.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको दिया गया, तो परफॉर्मेंस वाइज फोन के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, 30 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है। ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत ही जल्द आपको यहां पर एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आप यहां पर इस बजट के अंदर एक तगड़ा गेमिंग फोन ढूंढ रहे हैं Realme की तरफ से, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6128 के लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपए। और दोस्तों, अगर आप यहां पर गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन कंसीडर करना चाहें, तो इससे बेटर ऑप्शन आपको यहां पर Realme की तरफ से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगला जो स्मार्टफोन है ये है यहाँ पर Realme का लेटेस्ट लॉन्च Realme 10 Pro 5G। आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के बहुत कमाल के दिए गए। वैसे अगर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल दी गई है, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, 700 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, उसमें आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं दो कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 108 मेगापिक्सल का,
2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आउटपुट काफी अच्छे निकल कर आते हैं। डे लाइट और लो लाइट में भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं। वीडियो की बात करें गाइस तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट। और गाइस ये स्मार्टफोन ऑन द दो पर लगभग 4.25 लाख के आसपास स्कोर करता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे इस फोन के अंदर भी आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। वैसे अगर हम पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 13 पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो अगर आप अच्छे कैमरास के साथ में रियलमी की तरफ से फोन लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 18,999 रुपये। तो बढ़ते आगे दोस्तों और बात करते हैं आप अगले स्मार्टफोन की। और अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर रियलमी का Narzo 50 Pro 5G। वो काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्लिम भी मिल जाता है और डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी फोन के काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। वहीं पर अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 1000 nits की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दी गई है, साथ ही 90Hz की रिफ्रेश रेट लेकिन 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है, लेकिन आउटपुट आपको यहाँ पर काफी अच्छे मिलते हैं। सो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। वहीं पर फ्रंट से आपको यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 का चिपसेट। तो दोस्तों ये चिपसेट यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का कॉम्पिटिटर है, बट आपको यहाँ पर लगभग 5 लाख के आसपास अंतत स्कोर निकाल कर देता है। वहीं पर स्मार्टफोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें सो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। सो बैटरी मॉड्यूल में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और साथ ही साथ ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी बहुत जल्द मिलने वाला है। लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ पर कोई भी कार्ड ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा। सो देखा जाए तो रियलमी की तरफ से आने वाला काफी अच्छा फोन है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे लगभग 20,000 रुपये। दोस्तों बात करते हैं इसमें आखिरी और धमाकेदार स्मार्टफोन की। और ये स्मार्टफोन यहाँ पर रियलमी का GT Neo 3T स्टिक बैक के साथ में मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर एल्युमिनियम की फ्रेम मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग दी गई है और रही बात डिजाइन की तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.62 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, एचडीआर 10 प्लस का सर्टिफिकेशन, 1300 नीट्स तक की ब्राइटनेस, 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है। सो डिस्प्ले बजट के हिसाब से बहुत अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट और लो लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें सो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 60 FPS और फ्रंट से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS और दोनों ही साइड आपको यहाँ पर जायरो EIS का फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आप यहाँ पर परफॉर्मेंस की तरफ। इस फोन के अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट और दोस्तों ये 7 NM की फैब्रिकेशन पर आता है। साथ ही आपको यहाँ पर एक काफी अच्छा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 7 लाख के ऊपर का स्कोर करता है। तो भाई आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफी कमाल की मिलती है, आप यहाँ पर काफी कमाल की गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो इस फोन में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 80W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट और साथ ही साथ ये फोन भी आता है एंड्रॉइड 12 पर, जहां पर आपको मिलता है रियलमी का UI 3.0। रही बात 3.5mm जैक और कार्ड ऑप्शन की तो वो आपको यहां पर नहीं मिलते। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये भी नॉर्मली आपको 30,000 रुपये की प्राइस पर मिलता है, पर अभी ये जो स्मार्टफोन है ये 6 और 128 के लिए आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 22,999 रुपये की प्राइस पर। वहीं पर अगर आप चाहें तो इसका 8 और 128 वाला वेरियंट भी देख सकते हैं, जो कि अभी आपको मिल रहा है 24,999 रुपये की प्राइस पर। और वैसे अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो आपको यहाँ पर 1 से 1,500 रुपये का डिस्काउंट और भी मिल रहा है, यानी कि ये जो इफेक्टिव डे ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है 22,000 रुपये की प्राइस पर। और उस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन है, आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं।
सो फाइनली गाइस, ये थे वो 5 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं Realme की तरफ से, और सभी के बेस्ट बाय लिंक्स अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, तो आप उन्हें चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।